ससुराल से मरकट हूँ मैं, आप देखेंगे कि अरब से मर पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी ये जिम्मेदारी लेने की, और ये लोग तुम्हारा यहाँ रहना जहन्नुम बना देंगे, क्या तुम इस घर की नौकरानी हो। वहीं दूसरी तरफ गीतांजलि देवी रीमा से कहती हैं कि उस लड़के की ज़िंदगी जहन्नुम बनाने के लिए हमें क्या करना है ये सब नोट करो और लिस्ट इतनी लंबी बनाओ कि उस लड़की का दिमाग बौखला जाए। गीतांजलि देवी कहती हैं कि कल मकर संक्रांति है, हर बार की तरह इस बार भी ओसवाल मेंशन में पूजा होगी। गीतांजलि देवी कहती हैं कि इस घर में काम इतने बढ़ा दो कि उसे समझ में आ जाए कि ये उसका वो छोटा घर नहीं है, ओसवाल मेंशन है। जीडी रीमा से कहती है कि उसे ऐसी मात दो कि उसे इस घर के हर कोने कोने से वहशत होने लगे। रीमा जैसे ही बाहर जाती है विवान वहाँ खड़ा होता है। विवान रीमा से कहता है कि भाई भाभी को मैं इस घर में वापस लेकर आया हूँ और उनके खिलाफ जाकर तुम मेरे खिलाफ जा रही हो, बाकी तुम्हारी इच्छा है। ये बात चित्रा सुन लेती है। वहीं सिमर अपना काम शुरू करती है। वेल अब देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या सिमर काम अच्छे से कर पाएगी और 4 दिन तक ओसवाल मेंशन को अच्छे से संभाल सकेगी या नहीं। सो अपकमिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।